चलें जी शुरू करते हैं। आज हम जो है वो वेरिएशन मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे और उसको मजीद एक्सटेंड भी करेंगे। Let me just review the method quickly. और जो last time quiz में एक question दिया था वो थोड़ा सा लंबा हो गया था और उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर का भी इस्तेमाल चाहिए अगर आप final answer correctly निकालना चाहते हैं, इसलिए फिर वो मैंने cancel कर दिए। तो अभी मैं उसको explain करूँगा कि कैसे आपने attempt करना है और जो next homework है उसमें उसको हम शामिल करेंगे। ओके, सो इफ यू रिकॉल हम इस मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने वेरिएशन थ्योरम को प्रूव किया था विच सेज दैट इफ यू चूज एनी फंक्शन फाई, ठीक है, ऑफ सम वेरिएबल्स एंड यू ऑपरेट इट विद द हैमिल्टोनियन ऑफ अ प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एंड इंटीग्रेट ओवर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ that function that we have chosen and divide and normalize it. Okay, properly, then this integral, let's call it some w, this is always less than or equal to the ground state energy. Okay, and we proved it. And it works exactly the way it is stated in front here, in front of you here. You choose a phi judicially, and the phi should have the same boundary condition that you want, that the problem dictates. ठीक है, तो phi को choose करते वक्त अपने boundary conditions का ख्याल रखना है ताकि जितना अच्छी तरह से आप phi choose करेंगे उतना ही जो आपका ये variation integral की ratio है W, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी के करीब होगी। इन जनरल देयर कैन बी वन और मोर पैरामीटर्स, तो हमारी फिर कोशिश ही होती है क्योंकि अगर तो हमें ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की फॉर्म का पहले से ही पता हो तो रियली स्पीकिंग वी डोंट इवन नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको पहले से पता है अगर ग्राउंड स्टेट फाइ का, तो वी कैन जस्ट यू नो लेट्स से देयर इज सम ग्राउंड स्टेट साई दैट यू नो यू ऑपरेट with Hamiltonian and you can find the ground state energy quickly like this. You don't have to work with this integral. Isko hum usko kab use karte hain when we don't know the ground state, lekin of course kyunki hum subject ke andar abhi isko seekh rahe hain to examples mein hum kuch aise problem lete hain jo already humne analytically solve bhi kiye hue hain jinki ground state wave function aur energy ka bhi pata hai, just to illustrate the method. ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब हम इस मेथड की इंपॉर्टेंस ये है कि हम इसको उस वक्त यूज करते हैं व्हेन वी रियली डोंट नो द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जब हमें नहीं, और जितना अच्छा इस हमारा गैस होगा फाई का उतना ही जो हमारी एनर्जी की वैल्यू है वो ग्राउंड स्टेट के करीब होगी। तो तरीका ये है कि यू चूज अ फाई एंड देन यू गेट अ डब्ल्यू विच इज फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर्स, लेट्स से function of some parameter c, then you minimize this w and find that parameter, or us parameter ke upar aap w compute kare, and that w is your closest match to the ground state energy. ab jab hum isko minimize karte hain agar to ye analytical function aisa hai ki aap isse paper pe solve kar sakte hain to well and good, lekin aksar auqat ye jo w hai as a function of c we can't you know solve it on paper. So we can, what we can do, that we can compute w and let's say plot it as a function of parameter c. So there might be you know some plot like this, aur usme aap dekhein ki kahan pe iski minimum value hai. So jahan pe iski minimum value hai you choose this value of c, aur us c ke upar fir you go back and compute your w again,
और वो W जो है दैट इज योर क्लोजेस्ट गैस क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ग्राउंड से. रिमेंबर जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी W इज नॉट गारंटीड टू बी इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट. सॉरी आई रोट इट रॉन्ग. इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू. इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्राउंड स्टेट एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज द क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड स्टेट. फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड स्टेट माइट बी somewhere here and this is where this W is closest to the ground state. अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम में बहुत कब ये भी होता है कि जब आप एक फाई चूज करते हैं सो यू मे नॉट इवन बी एबल टू इवेल्यूएट द इंटेग्रल विद दैट वेरिएबल सी. सो सम पीपल यू नो वुड डायरेक्टली पुट सी हेयर वैल्यूएट दिस गेट अ पॉइंट पुट अनदर सी गेट अनदर पॉइंट एंड सो ऑन. सो यू माइट एक्चुअली have to solve this as a function of c instead of first solving it and then plotting it. So it depends on the problem. Okay, so let's now discuss the problem that we had in the quiz. So quiz mein aapko ye problem given tha that you have a potential profile like this. There is some potential. आज मैं इसकी सिंबल थोड़ी सी डिफरेंट यूज करूंगा. लेट्स से दिस इज जीरो सो दैट इट मैचेस विद द बुक. सो फ्रॉम माइनस हाफ एल टू हाफ एल पोटेंशियल इज जीरो एंड लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस. सो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ एल देन पोटेंशियल इज वी नॉट एंड इट इज जीरो व्हेन axis less than this. So inside the well there's zero potential, outside there's a constant potential. आप लोगों ने ये problem analytically solve करने की कोशिश की हुई है quantum mechanics में? So let me just repeat from there. अगर आपने की है तो you might remember किसके solution इस तरह के होते हैं. That for the ground state you have a function looking like cosine over here and then here it's an exponentially decaying solution over here and here as well. ठीक है. और इसी तरह इसकी कुछ एनर्जी लेट्स से E1 है then the second state is something like this and so on. So this is the first excited state. Let me draw like this. So this is how it looks like. So it actually goes to zero at infinity in principle because it's exponentially decaying. अब हमने ये problem कहा था कि चूंकि हमें इस problem का अंदाजा है कि इसके जो ground state है वो इस तरह का है कि दरमियान में increase कर रहे हैं and then into the so-called forbidden region it decays and goes to zero after a while. So to mimic this, we postulated our phi to be like this. X minus X square minus C square when X is less than equal to C and zero when X is greater than equal to C. So ye jo function hai, ye is tarah ka banta hai. With the condition that C is greater than half L. So अगर ये जो आपका point है ये इससे greater है तो this almost you know mimics this one. So आप इसको use करें as your trial function. तो और आपसे कहा था कि इसकी ground state energy जो है वो find करें. तो उसके लिए तरीका यही है इस फाई को आप यहाँ पे यूज करें. पर इंटीग्रेशन यू इंटीग्रेट ओनली फ्रॉम माइनस सी टू सी माइनस सी टू सी. द हैमिल्टोनियन ऑफ दिस सिस्टम इज वेरी इजी. हैमिल्टोनियन इज दिस. हैमिल्टोनियन इज जीरो प्लस व्हेन योर एक्स इज लेस देन हाफ एल एंड इट इज V naught plus when your x is greater than half L.
So in the integration limit, you from here to here, and you will have to divide it into three parts. And you can get a function w. अगर आप और आपकी बुक में ये एक एग्जाम्पल के बाद और वहां पे असल में जो w आता है ना वो लिखा भी हुआ है. उसके लिए उसने ये जो v नॉट है उसकी एक स्पेशल फॉर्म ली हुई है जस्ट फॉर इजीनेस. सो w एट द एंड इज जस्ट देर आर सम कॉन्स्टेंट वो गिवन है एंड देन इट्स जस्ट अ फंक्शन ऑफ टर्म्स लाइक दिस c ओवर l. एक्चुअली l ओवर c है बट लेट मी जस्ट राइट इट c ओवर l. तो इसमें अगर आप फाइंड करना चाहते हैं सी की ऑप्टिमल वैल्यू तो व्हाट यू कैन डू, एक तो एनालिटिकली भी वैसे इसको किया जा सकता है और ये 4 degree इक्वेशन बनेगी. लेकिन अगर आप इसको एनालिटिकली नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इस तरह से कर लें कि सी बाय एल को लेट्स कॉल इट सम टी एंड देन दिस इज जस्ट फंक्शन ऑफ टी. तो इसका आप प्लॉट कर लें एज अ फंक्शन ऑफ टी और जहां पे ये मिनिमम है ये टी वो फाइंड कर लें और वहां से आपको मिल जाएगा कि सी जो है लेट्स से इट्स 0.3L. अगर टी 0.3 आता है तो सी इज 0.3L. सो देन यू यूज दिस सी इन दिस फंक्शन फॉर डब्ल्यू एंड देन यू हैव द वैल्यू ऑफ एनर्जी. और आप फिर इसको जो एनालिटिकल रिजल्ट है ग्राउंड स्टेट एनर्जी का उससे कंपेयर भी कर सकते हैं. जैसे इसका एनालिटिकल रिजल्ट है याद है किसी को, 8 ml square ये होता है ना वेयर एल इज दिस लेंथ ऑफ ये इस कट स्क्वायर होता है इधर, आई डोंट नो यू कैन चेक. तो उससे आप फिर कंपेयर कर सकते हैं कि जी 8 pi ml square. थैंक यू. आप इसको जहां मर्जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ ये वाला हाँ क्योंकि ये जब x इक्वल सी होगा ये वैसे जीरो हो जाएगा. सो अब बेशक यूं कर लेंगे इधर ठीक है जी. देखें ये जो फंक्शन है ना x²-c², इसकी शेप यू है. सो दिस क्लोजली मिमिक्स द बिहेवियर ऑफ द ग्राउंड स्टेट सॉल्यूशन. ठीक है इसके बारे में कोई क्वेश्चन ये वाला. सो आप जो w फंक्शन आता है उसको आप प्लॉट कर लें एज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल. तो इसकी फॉर्म बन रही है सी ओवर एल. इसमें जितनी टर्म्स है ना वो सारी आ रही है सी ओवर एल की तरह की. तो आपको चाहिए सी तो या तो आपको एल की वैल्यू का पता हो तो फिर आप पहले एल पुट कर लें और फिर जाहिर है आपने प्लॉट करना है तो आपके फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए तो फिर आप इसको एज अ फंक्शन ऑफ सी प्लॉट कर लें. लेकिन ये चूंकि सारी टर्म सी ओवर एल की तरह की है, कोई इस तरह की टर्म है सी स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, कोई इस तरह की टर्म है c क्यूब ओवर l क्यूब एंड सो ऑन, तो आप हर जगह पे c ओवर l की जगह पे t पुट कर लें तो फिर ये आपका फंक्शन ऑफ t बन जाएगा. तो आप इसको एज अ फंक्शन ऑफ t प्लॉट कर लें और जहां पे ये मिनिमम है वहां से t फाइंड कर लें. हाँ इसमें 3-4 terms होंगे, 4-5 terms है. वो फोर्थ डिग्री कर्व बने पॉलीनोमियल बनती है, फिर उसका एनालिटिकली सॉल्यूशन का कोई भी जनरल मेथड नहीं है. यू हैव टू थिंक के हाँ वही ना कि फोर्थ ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर तक तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं ठीक है. सो आफ्टर दैट यू हैव टू बी लकी यू नो टू फैक्टराइज इट. हाँ सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर आप एनालिटिकली कर रहे हैं और आपके पास एक से ज्यादा आंसर आ जाते हैं ठीक है तो क्या करें. पर आपने देखना होता है कि उनमें से कौन सा फिजिकली पॉसिबल आंसर है. जैसे हम लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी उसमें जो हमने कांस्टेंट फाइंड किया था सी, वो हम हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला प्रॉब्लम कर रहे थे
और एक प्लस वैल्यू थी, एक माइनस थी, और हमने कहा था कि एक वैल्यू पे वो ग्रो करता है और एक पे डिके करता है, और डिकेइंग वाला हमने रखा। अच्छा, यहां तक जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये भी है कि इसमें तो चूंकि हमें पहले से ही पता था कि सोल्यूशन किस तरह से है, सो वी टुक दिस फाई टू बी लाइक दिस। लेकिन जैसे मैंने शुरू में जब तमहीद बांधी थी ये बात की थी कि वी यूज दिस मेथड व्हेन वी एक्चुअली डोंट नो द सॉल्यूशंस ऑलरेडी, सो उस सूरत में हम फाई कैसे चूज करें। सो आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन यू नो इन अबाउट 10 मिनट्स लेटर, बट फर्स्ट लेट मी डिस्कस कि इस मेथड को हम जो हायर स्टेट्स हैं उनके लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से फॉर द एक्साइट for the first excited state, second and so on. Okay, so suppose we have a situation like this, that we have a Hamiltonian. A Hamiltonian means that we have a physical problem and it has these eigenfunctions psi 1, psi 2, all the way psi n, you can keep going, let's say psi k, etc. And then there are energies corresponding to this e1, e2, and so on, with this convention that we will be using, that we are labeling like this. And we have shown that if you choose any phi, then w gives the upper bound for e1. So how to find psi 2, how to approximate psi 2, and how to find an upper bound or approximation for E2. So the method is this. Choose a phi such that your phi is orthogonal to the ground state wave function. If you are able to find a phi that is orthogonal to psi 1, then we can show that this w is an upper bound for the energy of the second level, that its minimum value will be closest to the second energy of the second level. And let's see how. If our phi is orthogonal to psi 1, it means that if I express my phi as a linear combination of an psi n's, then let's work it out. So the upper term, this one would be a n star psi n star, and h let's make this M just to keep it different from this. Now, if we operate this H over here, we get sum over n. Let's actually keep it like this. So this is a n star psi n star. If I operate h here, sum over m, a m, e m, psi m, right?
and this would be sum a n star a m beta. ठीक है. अच्छा एक चीज तो आप नोट कर लें, इफ phi इज orthogonal टू psi 1, a1 क्या होगा? a1 जीरो होना चाहिए. ठीक है, जरा ये phi psi 1 का orthogonal उसी वक्त हो सकता है जब phi और psi 1 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो, जिसका मतलब यही है कि जो a1 है वो जीरो हो, क्योंकि ये कोफिशिएंट्स क्या है, ये कोफिशिएंट जस्ट इस फाई के जो है वो इनर प्रोडक्ट्स हैं, फिर साई वन साई टू साई थ्री एंड सो ऑन. ठीक है, इस पॉइंट को समझते सब लोग. परफेक्ट. सो इफ ए वन इज जीरो एंड दिस अलजेब्रा इज द सेम एज बिफोर, तो ये जो इंटेग्रल है साई एन स्टार साई एम का, ये नॉन जीरो होगा उसी वक्त व्हेन एन इज इक्वल टू एम, because otherwise there are orthogonal, or we will get sum over n is equal to 2 to infinity a n mod square e n, and this is also a sum over n from 2 to infinity a n mod square. ठीक है, इसलिए के a 1 जो है इधर भी जीरो है, a 1 इधर भी जीरो है. अब सम जो है वो n2 से शुरू हो रहा है, और उसी तरह जिस हमने लास्ट टाइम किया था, इफ यू लुक एट दिस, दिस इज a2 mod square e2 a3 mod square e3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय सम a n mod square. तो अगर क्योंकि e3 जो है वो e2 से बड़ी है, e4 जो है वो e2 से बड़ी है, सो इफ आई रिप्लेस ऑल दीज एनर्जीज विद e2 देन आई विल गेट दिस, बिकॉज नाउ दिस इज गोइंग टू बी खड़ा नहीं होगा. E3 जो है वो E2 से बड़ी है, सो ये जो टर्म है ये जो W है उससे छोटी है, ये जो भी ये W है इससे ये बड़ी है, सो आई विल गेट सम ए एन मॉड स्क्वायर इनटू E2 ओवर सम ए एन मॉड स्क्वायर, सो दिस कैंसल्स विद दिस एंड आई गेट E2, सो दिस मीन दैट this W is always less than ये जो quantity है. हाँ great, this is क्योंकि E3 बड़ी है तो हमने एक छोटी quantity enter की है ना, so E should be this thing. So if you choose a phi such that it's orthogonal to ground state, then your variational integral will give you an upper bound for second energy, and your W W will give you the energy of the second state. अब इसमें जाहिर है जो सबसे मुश्किल काम है वो यही है कि हाउ टू मेक श्योर दैट द फाई दैट यू चूज इज ट्रूली ऑर्थोगोनल टू द ग्राउंड स्टेट, स्पेशली व्हेन यू डोंट नो द ग्राउंड स्टेट. और उसमें आप एक तो ये कर सकते हैं कि व्हेन यू यू नो स्टार्ट विद द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है, तो आप पहले इसकी एनर्जी कंप्यूट करें उस मेथड से, और जब एनर्जी निकाल लें वो सी वापस उस फाई में पुट करें, तो यू विल हैव अ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन. तो आप कहते हैं जी कि मैं
अब जो नेक्स्ट फाइ चूज करूंगा वो उसके ऑर्थोगोनल चूज कर लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी यू डोंट हैव अ वेरिफिकेशन दैट योर प्रीवियस फाइ इज अ ट्रू ग्राउंड स्टेट, क्योंकि उसमें भी यू ओनली हैव एन अपर बाउंड ऑन ई वन और जो आपका फाइ है इट्स ओनली अप्रोक्सीमेट, तो अगर उसमें एरर होगी तो ज़ारा वो उसमें भी होगी। तो इस मेथड में ये एक मसला है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द फाइ यू चोज इज ऑर्थोगोनल टू द ग्राउंड स्टेट, लेकिन कुछ सिचुएशन में बाय द वे यू कैन बी डेड श्योर दैट द फाइ दैट यू हैव चोजन इज ऑर्थोगोनल टू ग्राउंड स्टेट इवन विदाउट वर्किंग द ग्राउंड स्टेट, और वो सिचुएशन अक्सर औकात फिजिक्स में होती है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी दफ़ा ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं विच हैव सम सिमेट्री दैट कैन टेल अस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये जो वन डायमेंशनल वेल है इसको देखें तो इसका जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिक है अराउंड एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स अराउंड जीरो सिमेट्री का मतलब ये है कि जो इसके फिर सोल्यूशन होंगे ना, जो एग्जैक्ट सोल्यूशन हैं वो या तो ऑड होंगे या इवन होंगे। तो जैसे ग्राउंड स्टेट जो है वो देखें इवन फंक्शन है, वो एक्स के दोनों तरफ एक्स ओरिजिन के दोनों तरफ एक जैसे, जो फिर ई टू है जो जो साई टू है वो ऑड है, अगर आप एक एक तरफ उसको माइनस करें तो दूसरा वो उसका रिफ्लेक्शन बन जाता है विद माइनस साइन, फिर तीसरा इवन है। तो इसका मतलब है कि जो अगर आपने पहली एक्साइटेड स्टेट फाइंड करनी हो ना ई टू, तो वो तो आप आराम से कोई भी आप ऑड फंक्शन चूज कर लें, एनी ऑड फंक्शन, वो हमेशा तमाम इवन फंक्शन के ऑर्थोगोनल वैसे ही होगा। तो आप जो भी ऑड चूज करेंगे वो चूंकि ग्राउंड स्टेट के भी ऑर्थोगोनल है वो ठीक है, वो ऊपर वालों के भी ऑर्थोगोनल किसी ना किसी को हो सकता हो, लेकिन कम से कम वो ग्राउंड स्टेट का ऑर्थोगोनल है। तो इस चीज की मदद से आप जो लेवल टू है उसकी भी क्विकली जो है वो अप्रोक्सीमेट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। सो इस तरह की जो सिमेट्रीज हैं उनकी मदद से बाज़ औक़ात हम जो सेकंड लेवल है वो उसका काफ़ी अच्छा जो एस्टीमेट है वो फाइंड कर सकते हैं एक्सप्लाइटिंग सम सिमेट्री। बट इन जनरल अगर इस तरह की सिमेट्री ना हो तो देन यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू चोज अ फाई विच इज ऑर्थोगोनल टू द ग्राउंड स्टेट। नहीं, हमें पोटेंशियल का तो पता है ना, तो वी कैन प्रूव कि अगर हमारा पोटेंशियल जो है वो सिमेट्रिक है तो जो हैमिल्टोनियन के सॉल्यूशन होते हैं दे कम विद डेफिनेट पैरिटी, उसका मतलब है कि दे आर आइदर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, ये इस अच्छा चैप्टर 7 जो है ना वो हमने स्किप किया है, उसमें सिंपल सिंपल से 3-4 इस तरह के रिजल्ट प्रूव किए हुए हैं, तो आप प्लीज उनको रिविजिट कर लें। आप में से कुछ लोगों ने ये हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में भी किए हों, अगर नहीं किए तो आप वहां से रिवाइज कर लें, बहुत सिंपली उसने जो है वो उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। जी हाँ, अब हम चैप्टर 8 में हैं जो वेरिएशन मेथड। ओके, अच्छा अब ये था सिर्फ इस मेथड का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इसमें आपने देखा है कि काफ़ी तरह के जो सवालात हैं वो अभी अनआंसर्ड हैं कि फाई कैसे चूज करें, अगर हायर लेवल पे जाना है तो कैसे मेक श्योर करें कि वो ग्राउंड के जो है वो ऑर्थोगोनल है। बाय द वे अगर आपने गेस कर लिया होगा, अगर आपने थर्ड लेवल की एनर्जी फाइंड करनी है तो ऑल यू नीड इज अ गेस फंक्शन, जिसको ट्रायल फंक्शन कहते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं, तो जो ट्रायल फंक्शन है वो पहले और दूसरी दोनों स्टेट के ऑर्थोगोनल हो। अगर आपने चौथी स्टेट की एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है, अप्रोक्सीमेट करनी है, तो ऐसा ट्रायल फंक्शन चूज करें जो पहली दूसरी और तीसरी स्टेट के ऑर्थोगोनल हो, एंड सो ऑन, दैट्स वेयर हाउ यू कीप गोइंग। बट वी नीड अ सिस्टमैटिक एंड अ जनरल एनफ मेथड दैट इज यू नो इंडिपेंडेंट ऑफ दीज इंट्रीकेसीज, और हमें जो काफ़ी सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जीज और उनके वेव फंक्शन जो हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से दे दें, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। ओके, सो द मेथड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन हियर, द डिफरेंस कम्स यू नो इन चूजिंग द ट्रायल फंक्शन एंड देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। सो लेट्स एक्सटेंड इट टू
एन लेवल, सपोज के हम एन लेवल जो है किसी, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई हमारे पास एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, या कोई और क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द इनर्जीज ऑफ एन लेवल्स प्लस देयर वेव फंक्शंस यूजिंग दिस मेथड. सो द मेथड गोज लाइक दिस. You choose a trial function phi like this. Some C1 F1, C2 F2, all the way to, let's say, CN FN, where these F1, F2, etc., they are functions of the coordinates of the problem. Aur ye aapne kaise choose karne hai? Farz kare aapka jo problem hai वो इस तरह से है. अभी तक आप लोगों ने इस तरह के जो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है वो एनालिटिकली सॉल्व किए हुए हैं, राइट? कि वी जो है आपका पोटेंशियल वी एफ एक्स, वो यहाँ पे कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ है. या आपने जैसे हार्मोनिक प्रॉब्लम किया उसमें वो यूं करके है. बट सपोज यू हैव, यू नो, सम वी एक्स लाइक दिस, सम आर्बिट्रेरी वी एफ एक्स. सो उस सूरत में या आप अगर थ्री डिमेंशनल में है, कोई आप थ्री डी में एक्स वाई जी से आपने पोटेंशियल स्पेसिफाई किया है, या अगर आप लेट्स से हीलियम एटम में है, ये उसका न्यूक्लियस है, एंड देन यू हैव टू इलेक्ट्रॉन अराउंड, तो लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 z1 है, और इस इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट x2 y2 Z2 है, तो जो इसका पोटेंशियल फंक्शन स्पेसिफाई होगा, इट वुड बी फंक्शन ऑफ x1, x2, y1, y2, z1, z2. सो जो आपका पोटेंशियल है, इट वुड बी फंक्शन ऑफ सम कोऑर्डिनेट्स, और ये जो फंक्शंस हैं, दे आर गोइंग टू बी फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ दोज कोऑर्डिनेट्स. सो ये आपने फंक्शन उस तरह से चूज करें. अगर आपका वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, दीज आर फंक्शन ऑफ x. अगर टू डिमेंशनल प्रॉब्लम है, इधर आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई. अगर ये सिक्स डिमेंशनल प्रॉब्लम है, इधर आर फंक्शन ऑफ सिक्स कोऑर्डिनेट्स एंड सो ऑन. तो जितने पार्टिकल होंगे 3D में, 3 times उतने कोऑर्डिनेट्स होंगे. प्लस अगर आप स्पिन भी ऐड करेंगे, सो यू विल हैव टू ऐड वन कोऑर्डिनेट फॉर स्पिन एज वेल. स्पिन जो है वो हम लेटर देखेंगे उसको कैसे इंक्लूड करना, बट स्पिन विल जस्ट कम एज अ, यू नो, अ न्यू कोऑर्डिनेट. सो इस तरह से आप ये जो फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, और जो आपके C1 C2 है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं. ये वही उस तरह से हमारे पास वेरिएशनल पैरामीटर्स हैं जिनको हमने फाइंड करना है. F1 जो है, दे आर नोन, सो दीज FIs आर नोन, CIs आर अननोन, और हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो भी n पैरामीटर्स हैं. और हम इन FIs को कैसे चूज करेंगे? We will choose FI such that they are linearly independent. They are not orthogonal, even though they can be, but the restriction is, you know, less severe than orthogonality. We only have this condition that they are linearly independent. And they satisfy the required boundary conditions. क्योंकि ये C1, C2 etc. तो constant है, और हमें पता है कि जो भी हमारा solution होता है Schrodinger equation का, it does have to satisfy सम बाउंड्री कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, जब आप इन्फिनिटी पे जाएं, इट शुड बी डिकेइंग, और इट शुड बी इंटेग्रेबल एटसेट्रा. और अगर आपका लेट से प्रॉब्लम इस तरह से है, मैं कहता हूँ कि जो पोटेंशियल है, इट्स गोइंग टू इन्फिनिटी आउटसाइड ऑफ दिस, बट इनसाइड दिस बॉक्स इट्स नॉट अ जीरो पोटेंशियल, बट पोटेंशियल मे बी लाइक दिस. ठीक है, बट सो इसका मतलब है आपका जो सोल्यूशन है वो कैसे होना चाहिए. आपका सोल्यूशन जो है, इट शुड डिके टू जीरो,
एट दीज बाउंड्रीज, क्योंकि इसके बाद पोटेंशियल इनफिनिट है, सो जो सॉल्यूशन फाई है वो जैसा मर्जी हो बट इट शुड कम टू जीरो एट द इंफिनिटी. सो आपके जो फंक्शंस हैं दे शुड सेटिस्फाई दीज बाउंड्री कंडीशंस. के आपका जो सॉल्यूशन है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, दे स्टेम फ्रॉम जनरल कंसीडरेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो उसके सॉल्यूशन में जो हमारा वेव फंक्शन है उसको हम फिजिकल सिग्निफिकेंस असाइन करते हैं कि इट टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल. अब प्रोबेबिलिटी दूसरी वक्त होगी इफ इट इज फाइनाइट. इसका मतलब है कि हमारे फंक्शन एफ ऐसे होने चाहिए कि वो हर जगह पे फाइनाइट होने चाहिए. ठीक है, देयर शुडंट बी एनी इंफिनिटी समवेयर. फॉर एग्जांपल आप इस एफ को यू ना चूज करें क्योंकि ये x is equal to 1 पे इन्फिनिट दे देगा. अनलेस यू नो दिस x is equal to 1 इज नॉट पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन डोमेन. ठीक है, सो दूसरी चीज ये है कि हमारे जो सॉल्यूशन है दे शुड बी ऑफ द टाइप दैट दे यूजुअली वी नीड सॉल्यूशन दैट हैज टू डिके टू जीरो व्हेन वी गो टू इन्फिनिटी. अगर इन्फिनिटी हमारे प्रॉब्लम का हिस्सा है, जैसे अगर आप हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करें तो वी इम्पोज दिस कंडीशन के एज आर गोज टू इन्फिनिटी हमने वो सॉल्यूशन चूज करने होते हैं जो जीरो को तरफ अप्रोच करें. क्योंकि अगर वो जीरो को अप्रोच नहीं करेंगे तो व्हेन वी हैव दिस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कि जो भी हमारा वेव फंक्शन है यू नो लेट्स से जीरो टू इन्फिनिटी इट शुड बी वन, सो टोटल प्रोबेबिलिटी हैज टू बी वन. तो अगर ये इन्फिनिटी पे जीरो नहीं जाता तो ये इंटेग्रल जो है वो इन्फिनिट हो जाता. सो इसी तरह अगर आप पोटेंशियल वेल की बात करें तो जो इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है वो आउटसाइड वेल पोटेंशियल इन्फिनिट होता है. इसका मतलब है यहाँ पे वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए. तो जो हमारे ये एफ्स हैं ये ऐसे हों जो आउटसाइड द पोटेंशियल वेल जीरो हों. ठीक है, अच्छा ये जब हम बाउंड्री कंडीशन इम्पोज करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो बाउंड्री कंडीशन एक्सप्लिसिटली हमें यहाँ पे नजर आ रही है. बाज़ औक़ात हम फंक्शन ऐसे भी स्पेसिफाई करते हैं. Let me specify f as x. Let's say this is my f1. x, when x is between 1 and 0, when x is outside 1. So my f2 is x squared when x is less than 1, but it is 0 when x is outside 1, and so on. So my mera f3 ho sakta x cube. So ab dekhen, ye function bizarra mein lag raha hai, jaise x जो है when x goes to infinity, infinity को जा रहा है. x square जो है when x goes to infinity, it goes to infinity. लेकिन मेरा जो function है वो x2 नहीं है बल्कि मेरा function ये है. So sometimes we specify functions in such a way that the boundary conditions are incorporated like this. But they are important. अब ये जैसे देख लिया मैंने ये जानबूझ के दो function ऐसे लिखे हैं कि they are both linearly independent. They're not orthogonal, but they're linearly independent. That's because if I have something like ax plus bx square is equal to zero, this is zero for all x only if my a and b, they're both zero. Otherwise, if a and b are not zero, I can always find an x for which this is not zero. But they're not orthogonal because x and x square are not orthogonal. So for this method to work, all we have to have is a set of functions that are linearly independent. And also see, it's a finite set. It's not an infinite set. And by the way, all orthogonal functions, they are linearly independent anyway. You can prove the converse very easily. Not all linearly independent functions are orthogonal, but all orthogonal are linearly independent. So they're part of it, but we are not just talking about them. ठीक है, ये clear हो गया? Okay, perfect. So we have a choice of our trial function. So let's see how we can now use the आप लोग जो ऑनलाइन है उनको समझ आ रही है और नजर भी आ रहा सही क्या नहीं? जी सर आ रहा. चलें गुड. अच्छा ये जो बुक है इसकी अच्छी चीज ये है कि जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है वो भी बुक के अंदर ही एक्सप्लेन किया हुआ है.
लेकिन मुझे चूंकि पता है कि आप लोगों को वो मैथमेटिक्स आता है मोस्टली, तो मैं वो पार्ट स्किप करता जा रहा हूँ। तो आप जैसे चैप्टर 8 को देखेंगे तो उसमें वो उसने ये भी बताया हुआ है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, बिकॉज ही इज रिटन अ बुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ केमिस्ट्री हु आर मोस्टली नॉट दैट वेल वर्स इन मैथमेटिक्स एज फिजिक्स स्टूडेंट्स आर। तो मैं अलबत्ता जा रहा नहीं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, क्योंकि आई होप कि आप लोगों को आता है, लेकिन अगर आप रिव्यू करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स लिया हुआ है कि एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड उसने बताया हुआ है, या आपने शायद ए लेवल एफएससी में वो क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा कि वो डिटर्मिनेंट से वो कॉलम एक चेंज कर किस तरह से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वो उसने बताया हुआ। तो इस तरह की चीजें मैं स्किप करता जाऊंगा, लेकिन अगर आप रिवाइज करना चाहें तो वो इसी चैप्टर के अंदर मौजूद है, आपको मैथ के लिए किसी और बुक में नहीं जाना पड़ेगा। बट आई विल बी स्किपिंग दैट ओवर। ओके परफेक्ट, सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड एंड लेट मी नाउ वर्क आउट टू इंटेग्रल। One is this, and the other is this one. And then I'll state the theorem. So this is what, you know, we are going to be finding. And still, our goal is to find this W and minimize it. But theorem is a little bit different. So this time, the minimum of W is not, upper bound for ground state energy. It's much more than that. We'll see. But let me evaluate these two things. So let me begin with this one. Achha, main derivation ke liye aur is analysis ke liye, I'm going to assume ke ye jo functions hain, they are real. Aur jo C1, C2, CN, etc. hain, ye bhi real hain. But it can easily be seen that the final result is exactly the same, even if these functions are complex. Zara isse thodi aasani rahegi calculations. So phi star is sum over, let's say, j from 1 to n, cj, fj. Let me just put star for symbols, but we have assumed that these are real, into, let's say, k 1 to n theta. So the sum over j, sum over k, cj, ck, integral एफ जे स्टार एफ के डी के, ये जो इंटेग्रल है लेट्स गिव इट सम नेम, क्योंकि इसकी असल वैल्यू जो है वो तो डिपेंड करेगी कि आपने ये फंक्शन क्या चूज किए, और लेट्स कॉल इट सम एस जे के। दिस इज कॉल्ड बाय द वे ओवरलैप इंटेग्रल, बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ कंप्यूट द इनर प्रोडक्ट बिटवीन एफ जे एंड एफ के। और अगर आप वेक्टर्स की फॉर्म में सोचना चाहते हैं तो जैसे ए डॉट बी होता है ना, कि इनका आपस में कितना ओवरलैप है या इसका प्रोजेक्शन कितना उसके अलॉन्ग, दिस इज सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट टू दैट। सो लेट्स गिव दिस एस जे के एज अ सिंबल ऑफ दिस इंटीग्रल। और यहां से आप देख सकते हैं कि चूंकि ये रियल फंक्शन है तो एस जे के और एस के जे दोनों बराबर होंगे। If I replace j with k, I will get the same integral because I'm assuming them to be real. Okay, so let's similarly compute the upper term. ये यहाँ से मैंने ये sum बाहर निकाला और integral अंदर आ गया। ये just मैंने इसका नाम रख दिया s j k, ये value नहीं किया। So S J K is equal to integral F J F K d tau. और मैं कह रहा हूँ कि इसका नाम है overlap integral, क्योंकि ये दो function का inner product compute कर रहा है ना basically, ठीक है?
तो इसलिए इसको हम रफ ओवरलैप इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि अगर ये ऑर्थोगोनल होते तो तब ये ओवरलैप इंटीग्रल या तो वन होना था अगर दोनों सेम है, और जीरो होना था अगर दोनों डिफरेंट है ऑर्थोगोनलिटी की वजह से, बट वी हैव अज्यूम देम टू बी इंडिपेंडेंट एंड नॉट ऑर्थोगोनल येट. सो लेट्स वर्क आउट द अपर टर्म phi star h phi d tau sum over j 1 to n cj fj h k 1 to n ck. By the way, इस कोर्स के लिए अगर आप नोट्स नाम ही ना लें तो कोई मसला नहीं, इस बुक में जितनी तफसील से मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ ना उससे भी ज्यादा तफसील से उसने किया हुआ है, ठीक है. बट इफ यू जस्ट वॉन्ट टू टेक नोट्स फॉर यू नो फॉर रेपिटेशन दैट्स ओके. सो सिमिलरली लेट मी टेक द सम ओवर जे एंड के आउटसाइड. सो सी जे सी के इंटेग्रल एफ जे स्टार एच एफ के tau, and let's call this thing some h jk. ji and when come really liya hua, so I'm just not writing it, so we are assuming all c's and f's to be real. kahin kahin pe main just wo dal raha hu ki jab aap isko complex banayenge to kahan pe ye aayega, plus for a comparison with language jo do complex function ka wo overlap integral hai wo asal mein f star is tarah se karke likha jata hai. चूंकि रियल है तो इट डजंट मैटर. अच्छा, ये जो इंटीग्रल है दिस इज रिटन एज एच जे के, और चूंकि हमने एफ को रियल अज्यूम किया है और एच हर्मिशियन फंक्शन है, सो एच जे के इज इक्वल टू एच के जे. वी कैन ऑलवेज यूज दिस थिंग. ओके, सो दिस इज सम ओवर जे सम ओवर के सी जे सी के एच जे के. अच्छा, अब हमारे पास आ गया है, इसको हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो अब ये इक्वेशन बन जाएगी सम जे सम के सी जे सी के एच जे के W into J K C J C K S I S J K. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. इसको मैंने इस तरह से इस फॉर्म में इसलिए लिखा है कि नाउ आई वॉन्ट टू मिनिमाइज दिस W. अब इस W को हमने मिनिमाइज तो करना है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि दिस W इज फंक्शन ऑफ C1, C2, ऑल द वे टू Cn, ठीक है. और हमने C1, C2 अप टू Cn, n जो पैरामीटर्स हैं उनकी वो वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पे W मिनिमम हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड n इक्वेशन, एंड वी आर लकी बिकॉज वी नो a method that can minimize a function of n parameters by solving a set of equation like this. We need to solve partial w by partial c1 equal to 0, partial w by partial c2 equal to 0, all the way to partial w by partial cn equal to 0. So we can get n equations from this in n unknowns which are cn, and then we will solve them simultaneously to find those parameters. Everybody okay with it? W ये वही variation integral की ratio है. ठीक है, ये मैंने इसको उधर multiply कर दिया. ठीक है, ये इसकी value है ना, ये तो ये यहां पर रखे, फिर इसको उधर ले जाए. ठीक है, वो नीचे जो टर्म थी उसको इधर लिख दिया. ठीक है, इसको इसलिए लिखा कि अब मैंने ना W के मुझे चाहिए ये इक्वेशंस, तो
आप इधर से भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन में है तो वो इस तरह की वो डेरिवेटिव थोड़े से जरा वो अगली हो जाते हैं, तो उसको अगर इधर लिख लें तो हम ये इन पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे आराम से डेरिवेटिव के लिए। सो इन सब को अगर आप कंबाइन लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूं पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल सी आई वेयर आई गोज फ्रॉम वन टू एन। सो देयर आर एन इक्वेशन, सो आई नीड टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन एन टाइम्स। So let's do that derivative. So we have n equation partial by partial ci sum over j sum over k cj ck hjk where i is 1 to all the way to n। ये जो सी आई मैंने लिखा है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा इज देयर एनी सी इन साइड दिस एच जे के अंदर कोई सी है? हाँ, उसमें सिर्फ एफ है। ठीक है, एफ जे और एफ के और वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, कोई सी नहीं है, तो सिर्फ इसका ही डेरिवेटिव होगा। और इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, तो पार्शियल सी जे बाय पार्शियल सी आई सी के प्लस सी जे पार्शियल सी के बाय पार्शियल सी आई एच जे के। और इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल सी आई सी जे सी के एस जे के प्लस डब्ल्यू पार्शियल बाय पार्शियल सी आई सी जे सी के एस जे के वेयर आई गोज फ्रॉम वन टू एन। अच्छा, अब यहां पे देखें, ये है सी जे बाय सी आई, तो सी जे जो है इट गोज फ्रॉम सी वन टू सी एन, और जो सी आई है वो फिक्स्ड है। इसी तरह ये जो सी के है, के गोज फ्रॉम वन टू एन, बट सी आई इज फिक्स्ड, और सारे जो पैरामीटर्स हैं वो एक दूसरे इंडिपेंडेंट हैं। तो जिसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव उसी वक्त जीरो होगा, उसी वक्त वन होगा व्हेन सी जे इज इक्वल टू सी आई, अदरवाइज दिस डेरिवेटिव इज जीरो। सो इसका मतलब है द सम ओवर जे is eliminated and we have only one term left when i is equal to j। इसी तरह अगर सी के को देखें, but there is a sum over k here, ठीक है? So इस term के अंदर अगर इस term को मैं देखूं तो ये term बन जाएगी sum over k सी के एच जे के, right? क्योंकि जब j is equal to i, this is 1, and when j is not equal to i, this is 0, so ye jo term hai isme ye jo j ke upar sum hai ye khatam ho gaya, sirf k ke upar sum hai, plus isi tarah isme j ke upar sum hai lekin k wala sum khatam ho jayega, because for all k's when k is not equal to i this derivative is 0, otherwise it's 1, so cj h jk and there is something on the right, but let's first देखे ना, ये एक फंक्शन है और ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने जस्ट उनका ना वो प्रोडक्ट रूल लगा दिया। एक ये w फंक्शन है ना, सी वन सी टू ऑल फॉर ऑल सीज, ठीक है? तो पहले इसका डेरिवेटिव और ये फंक्शन वैसे का वैसा, प्लस w वैसे का वैसा और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। हाँ, इसका फिर फर्दर होगा। हाँ जी, ठीक है, वो भी हम करते हैं। लेट मी जस्ट वर्क आउट द लेफ्ट साइड। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों असल में बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे जे की जगह पे ये सम ओवर जे है, ठीक है, और इनटू सम के है, ठीक है? तो वी कैन ऑलवेज, यू नो, वी सॉ ओवर देयर दैट एच जे के इज इक्वल टू एच के जे, सो आई कैन
रिप्लेस दिस जे. अच्छा नहीं, इसमें आई मेड एन एरर. इस टर्म के अंदर जे वॉज इक्वल टू आई, राइट? सो यहां पे आना चाहिए आई. और इस टर्म के अंदर के वॉज इक्वल टू आई, तो यहां पे आना चाहिए आई. नहीं, हाँ ये है ना एच जे के, तो देयर इज सम ओवर के, जे इज इक्वल टू आई, सो दिस इज एच आई के. और ये है एच जे के, सो देयर इज अ सम ओवर जे एंड के इज इक्वल टू आई, सो दिस इज एच जे आई. अब देखिए इसमें अगर मैं जे को के के से रिप्लेस कर दूं, एंड वी नो दैट एच के आई इज इक्वल टू एच आई के, सो दिस इज एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. सो जस्ट ये सिंबल्स ही डिफरेंट है ना, जो अगर आप ये सम पूरा वैल्यूड करें तो ये एक ही चीज. सो दिस इज ट्वाइस, लेट्स कॉल इट सम सम ओवर के सी के एच आई के. अब राइट साइड पे क्या आएगा, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल सी आई. और इसको तो हमने जीरो करना है, ठीक है. वी वॉन्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मेकिंग दिस थिंग जीरो, सो लेट मी पुट दिस जीरो, सो दिस टर्म गोज अवे. जीरो प्लस डब्ल्यू. अब इसको अगर आप इवेल्यूएट करें तो यू कैन इवेल्यूएट इट एग्जैक्टली इन द सेम वे, एंड यू विल सी दैट दिस इज ट्वाइस सम ओवर के सी के एस आई के. जस्ट मैं इसको खोल के आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको. अच्छा ये दो तो खत्म हो जाएगा, सो अगर आप इसको एक्सपेंड करके जस्ट विजुअलाइजेशन के लिखना चाहते हैं, दिस इज सी वन एच आई वन प्लस सी टू एच आई टू ऑल द वे टू सी एन एच आई एन, एंड दिस इज डब्ल्यू इन टू सी वन एस आई वन प्लस सी टू एस आई टू ऑल द वे टू cn sin, where i is 1 2 all the way to n. so these are n equations. pehle i ki jagah pe 1 rakhe to ek equation, fir i ki jagah pe 2 rakhe to dusri equation, fir i ki jagah pe 3 rakhe fir teesri equation, and so on. okay, so let's now गेट बैक टू दिस इक्वेशन. वो लेफ्ट साइड को भी हम राइट साइड को भी लेफ्ट पे ले आते हैं और सम को इकट्ठा कर लेते हैं. सम ओवर के एच आई के माइनस डब्ल्यू एस आई के इंटू सी के इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बन गई फॉर ईच आई. आई इज इक्वल टू 1, 2, all the way to n. क्योंकि हम वो सी आईज फाइंड कर रहे हैं जहां पे w मिनिमम है, और w मिनिमम उसको कहते हैं व्हेन ईच ऑफ पार्शियल w बाय पार्शियल ci इज जीरो, ठीक है. सो सी वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट w. हाँ मैक्सिमम भी हो सकता. सो दिस इज एसेंशियली द सैडल पॉइंट्स. ओके, अब इसको बेसिकली दिस इज लाइक दिस. सो एच वन वन माइनस डब्ल्यू एस वन वन सी वन प्लस एच वन टू माइनस डब्ल्यू एस वन टू सी टू ऑल द वे टू एच वन एन माइनस डब्ल्यू एस वन एन सी एन इक्वल. ये पहली इक्वेशन होगी, फिर जब आई टू होगा तो ये होगी एच टू वन माइनस डब्ल्यू एस टू वन सी वन एच टू टू माइनस डब्ल्यू एस टू टू सी टू
एस टू एन माइनस डब्ल्यू एस टू एन सी एन. सो दिस इज एन इक्वेशंस, ठीक है, और इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में यू करके लिख सकते हैं. एच वन वन माइनस डब्ल्यू एस वन वन, एच वन टू माइनस डब्ल्यू एस वन टू, एस टू वन माइनस डब्ल्यू एस टू वन, इनटू सी वन सी टू ऑल द वे टू सी एन इक्वल जीरो जीरो. सो दिस इज अ सेट ऑफ होमोजेनस इक्वेशंस जिसको हमने सॉल्व करके सी वन सी टू अप टू सी एन की वैल्यूज फाइंड करनी है. ओके, अब हमें बताया कि जो होमोजेनस सेट ऑफ इक्वेशन होता है उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसी वक्त एग्जिस्ट करता है अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो. क्योंकि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो फिर सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है, और वो है व्हेन सी वन सी टू ऑल सी एन आर जीरो. सो इट मीन दैट वी फर्स्ट नीड टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. Equal to zero. और इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो करके हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल एक्चुअली गेट एन इक्वेशन इन डब्ल्यू विच इज ऑफ डिग्री एन, क्योंकि ये एन बाय एन मैट्रिक्स है, ठीक है. तो इसमें डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है. तो जब इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, यू विल गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, क्योंकि इसमें H11 एक नंबर है, S11 एक नंबर है, H21 एक, ये सारे नंबर्स आपको नाउन है. द ओनली थिंग दैट इज अननाउन इज W. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल एक्चुअली फाइंड अ पॉलिनोमियल इन Wn, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट W1 W2 ऑल द वे टू Wn. यू विल फाइंड n वैल्यूज ऑफ W. And we are not going to prove it because it's a bit involved. It can be shown that if E1, E2, E3, all the way to En are eigen energies of the system, and then of course there are more. ठीक है, जो आपका quantum mechanical system है, it might have infinite energy levels. ठीक है, लेकिन हमने चूंकि n choose किए हैं, तो we will be comparing with first n energies and you label these W1s, W2 in this order, that the lowest one is called W1, the highest one is Wn, then it can be shown that W1 is an upper bound for E1, W2 is an upper bound for E2, and so on. So basically, is determinant ke jo solutions honge, they are your bounds for eigen energies. The smallest one corresponds to the ground state. Then the next bigger one is the second level, the third level, and so on. And your accuracy increases as you increase the number of functions f in your system. So, agar aap isko recap karein. So you start with a set of function f, which have to be independent. By the way, they are called the basis function. And once you have that basis, you from that basis you evaluate h11, s11, etc. Okay, s11, s21, etc. आपको सिर्फ function चाहिए. जो h11, s21, etc. हैं, इनके लिए आपको वो Hamiltonian के साथ integral आपने solve करना. Once you have these numbers, you assemble this determinant, इसको equal zero put करके एक polynomial बनेगी, उसको आप उसके roots find कर लें, उसके जो roots हैं, they are your eigen energies, और आपने wave function भी find करने हैं. Wave function कैसे find करेंगे? Choose one of value one by one, पहले W1 पकड़ें, जो W1 है, उसको आप इस system of equation में वापस put करें, और C1, C2 up to Cn के लिए solve करें. आपके पास सी आईज का एक सेट आ जाएगा,
ठीक है, फॉर डब्ल्यू वन। इस सेट के लिए जो आपका वो ट्रायल फंक्शन फाइ होगा, दैट इज योर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। फिर आप डब्ल्यू टू चूज करें, इसको यहां पे पुट करें, यू हैव अनदर सेट ऑफ इक्वेशन। सॉल्व इट अगेन फॉर सी वन सी टू ऑल द वे टू सी एन एंड यू पुट दिस सेट ऑफ सी आईज इन अगेन ट्रायल फंक्शन। अब आपके पास जो सेकेंड लेवल है उसका वेव फंक्शन आ गया एंड सो ऑन। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ज़ारा इसमें आपने देखा है, आपने अंदाजा कर दिया होगा, अगर इसमें दो तीन से ज्यादा आप फंक्शन लेके चलें तो यू विल हैव टू यूज अ कंप्यूटर, क्योंकि बार बार एक ही जैसा काम करने वाला है। पीपल हैव रिटन प्रोग्राम्स फॉर दिस ऑलरेडी, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्पेसिफाई फंक्शन। ज्यादातर केमिस्ट हैं, दे डोंट इवन नो द मेथड, दे जस्ट नो द यू नो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर दैट दे कैन प्लग इन और चूज द फंक्शन। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पीपल समटाइम चूज यू नो मिलियंस ऑफ functions in their bases, क्योंकि जितने आप ज्यादा करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। एंड इफ यू हैव कंप्यूटिंग पावर और जो बेसिस फंक्शन है, यूजुअली दे आर चूजन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। फॉर एग्जांपल यू कैन चूज अ बेसिस फंक्शन ऑफ 1/r, 1/r², 1/r³ एंड सो ऑन, और मे बी x² सो यू कैन एड अप एज मेनी एज यू वांट, एंड एडिंग मोर मींस यू गेट मोर एक्यूरेसी। और जो आपके ये जो एस्टिमेट्स हैं, they will be getting closer and closer to the your energies. Plus the benefit is this, ki jitne aap zyada add karenge aap utne zyada levels jo hain wo find kar sakte hain. So this is how this variational method is used very powerfully to solve for eigen energies. And the good thing is that not only the eigen energies, the eigen functions, they also come out automatically, बिकॉज आप ये मैट्रिसेस को आराम से कंप्यूटर में सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि यू कैन यूज इट ऑलमोस्ट फॉर एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, एंड दिस इज अस्पेशली वेरी गुड फॉर एटॉमिक एंड मोलेकुलर क्वांटम फिजिक्स टू फाइंड दोज एनर्जी लेवल्स एंड द आइगन फंक्शंस। आई एम थ्री ओके, एनी क्वेश्चंस? अब जैसे हमने वो एक वो हम कर रहे थे उसके वाला प्रॉब्लम शुरू में प्रेशर वेल वाला, ठीक है। अब आपने अगर उसमें ज्यादा एनर्जी लेवल्स को गेस करना है तो ऑल यू हैव टू डू, लेट से x²-c² था, यू ऐड अनदर फंक्शन x4-c4 और आप ऑड फंक्शन भी शामिल करना शुरू कर दें, x into you know x-c and so on, so us tarah ke function add karte jaye, so you can do it over with this method. Acha agar aapne jab isko computer se karna hai to aap dekh rahe hain ki aapko koi bahut zyada programming ki zarurat nahi hai, kisi bhi language mein agar aapko matrix likhna aata hai, theek hai, uska determinant likhna aata hai aur do teen commands aati hain ki polynomial ke solution kaise find karne hain, so you can use computer to solve a lot of problems in the book. और जो होमवर्क है उसमें भी हमेशा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हुआ करेंगे जिनमें आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़े। कोई क्वेश्चन? जी जी सर, वो पीछे वाला बोर्ड करेंगे, वो ऊपर वाला, उसमें से एक क्वेश्चन आप, जो पहले साइड पे बोर्ड थी नहीं, जो इधर जो है ऊपर जो है। अच्छा अच्छा सर, इसका सेकंड स्टेप है जिसमें पार्शियल सी जे और ओवर ये वाले स्टेप में, ये इसको कैसे सॉल्व किया, नीचे जो आंसर आया थर्ड में वो कैसे आया? ये वाला नहीं, ये सर ये वाला पार्शियल सी जे ओवर पार्शियल सी आई सी के प्लस ये वाला कैसे सॉल्व किया सर आपने? ये क्या? अच्छा ठीक, ये आप पूछ रहे हैं कैसे सॉल्व किया, राइट? जी जी ठीक है। आप देखें इसको, आप ये समझ लें ये दो टर्म्स हैं, ये एच जे के जो है वो भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सम इसके साथ भी और सम इसके साथ भी है। जी ठीक है, तो जब हम इस टर्म को देखेंगे तो ये डेरिवेटिव्स हैं इस तरह के, सी आई कोई फिक्स्ड है, ठीक है, पार्शियल सी वन, लेट से आई इज 4, पार्शियल सी वन बाय सी 4 प्लस पार्शियल सी 2 बाय पार्शियल सी 4, इस तरह की टर्म्स हैं। तो जब तक
C4 नहीं आते तब तक आंसर 1 नहीं है, ये डेरिवेटिव भी 0 है, ये डेरिवेटिव भी 0 है, सो ऑल डेरिवेटिव्स व्हेन जे इज नॉट इक्वल टू आई दे आर 0, ठीक है। तो वही डेरिवेटिव जब जे इज इक्वल टू आई है नॉन जीरो है और वो 1 है, क्योंकि पार्शियल C4 बाय पार्शियल C4 1 होगा, सो व्हेन जे इज इक्वल टू आई दिस इज 1, सो द सम ओवर जे गोज अवे, ओनली सम ओवर के इज लेफ्ट बिकॉज ऑफ दिस सम, और जे इज इक्वल टू आई, और जे जो एच जे के है वो बन जाएगा एच आई के, ठीक है। इसी तरह इसमें ये जो डेरिवेटिव्स हैं, अनलेस के इज इक्वल टू आई द डेरिवेटिव्स आर ऑल जीरो, सो द सम ओवर के गोज अवे एंड आई के इज इक्वल टू आई, सो के बिकम्स आई एंड द सम ओवर जे स्टेज दिस वन, ठीक है, थैंक यू सर। So I'll send you this paper that has this proof, this last part that I didn't show, that the solutions of this one, if they are written in a ascending order, then they are bounds for the eigen energies. चलें next class में हम इसी method को use करके एक लंबी एग्जाम्पल करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो एक और एग्जाम्पल करेंगे ताकि इस मेथड को अच्छी तरह समझ लें। ओके, थैंक यू।